कवर्धा पंडरिया वन विभाग के ठेकेदारों की खुली पोल। विगत दिनों पंडरिया रेंज पश्चिम ग्राम पंचायत नेऊर अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 477 तालाब निर्माण करवाया गया, लागत 25 लाख, जिसे परिक्षेत्र पश्चिम पंडरिया के ठेकेदार के द्वारा निर्माण किया गया। बता दें कि उक्त तालाब निर्माण के उपरांत पहली बारिश में तालाब ढह गया, जो कि स्तरहीन निर्माण कार्य का परिणाम सामने आया। मीडिया से खास चर्चा के दौरान वनवासियों ने बताया कि तालाब निर्माण के नाम पर वन विभाग की एजेंसी ठेकेदारों के द्वारा स्तरहीन कमजोर निर्माण कराया गया है। तालाब देखने पर एक खेत नुमा लागत व्यय करके लाखों की राशि बंदरबांट कर गए, जिसकी शिकायतें लगातार होती रही। परिक्षेत्र रंजन अंकित पांडे के निगरानी प्रबंधन में जितने भी तालाब निर्माण का कार्य किया गया है, वो सभी गुणवत्ताहीन कमजोर निर्माण किया गया है। स्थानीय बेगा आदिवासियों का कहना है कि यह भी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जितने भी तालाब निर्माण हुआ है, मशीन जेसीबी से कराया गया है। केवल ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए स्तरहीन निर्माण किया गया है, जिससे आदिवासी बैगा अपने ही क्षेत्र में रोजगार से विमुख रहे। स्थानीय लोगों के बीच मीडिया पहुंचकर जानकारी ली। तालाब का बांधान टूटने से एक बैगा विक्षिप्त बह गया। गांव वालों की मदद से जैसे तैसे वृद्ध विक्षिप्त बैगा को बचा लिया गया है, लेकिन संबंधित परिक्षेत्र रेंज पीड़ित बैगा का हाल पूछने तक नहीं पहुँचे। बताओ कुछ आप रहे हो मेरे? रहा कैसे कहा हुई को जो भग रहे कहाँ पाचे फिर खाटे लगाएं समाने रहा समान दो कुंडल चौल रहे थे फिज गया था। अच्छा, खाटे कर दें पास निकाल के नहीं जोकरा भी भग रहे भग वो निकाल के लग गया। फिर झूरी लग के लग तो फिर हो चो पूरा पानी कैसी हम आती झोपड़ी पानी आप झोपड़ी में सो रहे? झोपड़ी में सो रहा हमें खाना खा के आज के बेर तो आए भारी रात भर दिन भरा सा सिपाही डंडा फटका सिपाही जंगली सिपाही के हाथ में बांध एक पानी में फूट गए ना, तो कैसे बचे थे वो फिर बढ़ते बढ़े तो शुक्राम धर के झिकट झिकट ले गए मोर सारा नाती तो कुछ पकड़ के बच्चे के नहीं चाहे काला पकड़े दाती ले पकड़े तो फिर लगातार फिर हुआ भगन फिर हुआ मोला ले गए निकाल के सामान खाट में कर खबर पाए तालाब के पार फूट गए खबर पाए तो अधिकारी मन आई देखिए आपके क्या नाम है? भैसवर नाम तो है। आपके क्या नाम है? दशरा जाती हो। वन अधिकार मीडिया से इस संबंध में जानकारी लेने से साफ इनकार कर दिए। वही संबंधित सर्कल अधिकारी एसडीओ जसवीर सिंह मरावी तालाब फूटने की खबर मिलते ही तत्काल मरम्मत के लिए निर्देश देते हुए संबंधित ठेकेदार एवं परिक्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग के द्वारा अब तक निर्माण कार्यों में मिली अनियमितताओं के विरोध वन विभाग के बड़े अधिकारी परिक्षेत्र रेंजर एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। कवर्धा से पीडी मणिपुरी सीजी विजन टीवी।